लेकिन इस बार में जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि हम उसके छत के नीचे जो है मुसलमान अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आज जो है हमारे ईमान कमज़ोर, आज का इंसान कमज़ोर, उसका ईमान कमज़ोर। लेकिन आज जो है जब मैं बाजार में गया हूँ तो नाच गाने हो रहा है, डांस हो रहा है, अखबार में इस चीज़ का ख्वाब नहीं देखा था। अखबार में ख्वाब देखा था कि मुसलमान जो है अपने मतलब के मुताबिक लव स्पिरिचुअलिटी यानी इंसानियत से रूहानियत से मोहब्बत करने वाले अपने मतलब से मोहब्बत करने वाले लोग जो है 14 अगस्त के दिन जो है 14 अगस्त के बाद जो है और इसके लिए जो है लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने भेज दी है। तो जहाँ अगर मैं ये भी समझता हूँ कि सुबह से मुझे अगर मलिक साहब ने बताया सुबह से आप लोग आए हुए हैं, कोई सुबह की मैं तो देखता हूँ सब लोग सुबह की नमाज पढ़ के भी आ रहे होते हैं और कोई जो है 7 बजे पहुँचे हैं, कोई 7:30 बजे पहुँचे हैं, तो आप लोग टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। 5 मिनट बाद गौर से सुन लीजिएगा, अगले 5 मिनट बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि यकीन है कि सब शो भी टूट चुका है। तो आप जो हैं जहाँ टाइम्स के लोगों की देखा जाए बाहर डांस हो रहे हैं, गुजरे हो रहे हैं, फजूल में लोग जो है मोटरसाइकिल का सलंसर निकाल कर और जो है गाड़ी का सलंसर निकाल कर आज़ादी मना रहे हैं। और जो है ये आज़ादी नहीं है भाई, आज़ादी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ के आए हैं, यहाँ नमाज पढ़ के आए हैं तो अपनी रोज़गार कमाने के लिए आए हैं, यहाँ सुबह से जम के बैठे हैं, डट के बैठे हैं, आज़ादी डे भी मना रहे हैं, अपने लीडर्स की बात भी सुन रहे हैं और जो है अब जाके आप खाना खाएंगे, आप नहाएंगे, खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे। तो ये आज़ादी है जो लीडर के अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती हैं, मैं समझता हूँ ऐसे अगर सारे हो जाएँ मुल्क के लोग हो जाएँ तो जो है कामयाब लीडर भी बन सकते हैं, कामयाब पाकिस्तानी बन सकते हैं और आज़ादी से भी मैसेज है वो 6 चीज़ें हैं। आज मैं आपसे 6 चीज़ें बताता हूँ